दोस्तों ये है टाटा का नेक्सोन का ईवी मॉडल, फीचर्स बहुत अच्छे हैं। ये देखो बूट भी टच है, इंटीरियर आप देख सकते हैं बूट भी टच, बहुत अच्छा इंटीरियर है और काफी स्पेसियस कार है पीछे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी साथियों को। तो कैसे हो दोस्तों आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है अपने वीडियो में। तो आज मिसे जा रहे हैं जी ब्यास, हेलो मौसम, तो इनको जी सेवा बजा रहे हैं जी ब्यास, इन्हें अभी छोड़ने जा रहा हूँ मैं सत्संग घर में। इसका पूरा मौसम हो रखा है जी, पूरे बादल हो रखे हैं, बारिश में लेगी नज़ारे पूरे आज। तो चलो जो बाबे की आओ सेवा कर का, तो सत्संग घर छोड़ के जी इनको फिर जाएंगे जिम। अभी पहले मिसेस की सेवा, भाई बहू की सेवा में लग रहे, करनी पड़ा बहू की सेवा, भाई क्या करो रोटी भी तो खानी है। चलो बिन्नू चाम ब्यास सत्संग घर में छोड़न जी। सड़क देखे दोस्तों बिल्कुल खाली, बढ़िया सुबह का समय, बिल्कुल सुनसान, हवा बड़ी ठंडी है बाहर। एसी चलाने से मिसेज ने मना कर दिया, अभी मैं बीमार होती हूँ एकदम से एसी चला दिया, अब मैं गर्मी में उतरूंगी। वहाँ ठीक है भाई, हम गर्मी में रह लेंगे, तो खुश रहो बुग्गे, तो खुश रहो जी। सत्संग घर हम पहुँच चुके हैं जी, अब देखते हैं संगत रेडी है कि नहीं रेडी है, पर मुझे लग नहीं रहा कि संगत अभी पहुंची होगी। आगे हमारे सत्संग घर में काम चल रहे हैं, अभी चल ही नहीं गई, मन फोन करे बिना थोड़ी चले जाएंगे। तो संगत तैयार है जी, तेरे सत्संग घर में हमारे काम चल रहे हैं, वो भी तैयार है। अभी बीए को भाई हो रहा, तो अब तक कोई नहीं हो रहा पहुंचे है अभी भाई, बीए की आई हो रहा, तो अभी सत्संग घर खाली पड़ा, कोई नहीं आई है, आंटी बैठी बैग लेकर अपना बस तैयार है। मिसेज इसमें जाएंगे जी, तो हम थोड़ा सत्संग घर घूम लेते हैं। सामान हमारे यहाँ पहुँच चुका है जी, कल मैं सीमेंट लेके आया था, हमारे सत्संग घर का जो पंडाल है अभी वो नया बनेगा और कमरे बनने हैं, उसके लिए काम की पूरी तैयारी है जी। सेक्रेटरी साहब सुबह लगे हुए, तो हम भी चलो थोड़ा सुनाते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, देख लेते हैं। लो जी मिसेज को छोड़ दिया, मिसेज की गाड़ी अपनी तैयार है जी, सेवा जा रहे हैं, तो संगत तैयार थी, अभी हम भी निकलते हैं, देखते हैं जिम का टाइम अगर लग गया जिम करेंगे, नहीं तो चलते हैं घर। ये छोटे छोटे काम, कणक को धो के फिर सुखाना, ये गांव में ही रह गया जी, गांव के लोग ही हैं जो इतनी मेहनत कर लेते हैं, कणक को धोना है फिर इसे सुखाना है, किसान ही है जो इतनी मेहनत करता है जी। तो चलो अब चलते हैं जी, कटिंग कराने अपने हैप्पी बाबू के पास, उससे सोचना थोड़ी कटिंग कराएँ जी, अपने मिनी कूपर ले ली है, मिनी कूपर में जाएँगे कटिंग करा के आएँगे जी। इस वेरी सवेर पहुंच गए हम दरबार पर, हैप्पी सैलून, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, रचाड़ू चूड़ू भी नहीं मारा तुमने, तो भी है देखे ना तेरा। चलो जी हैप्पी बह गए हम कटिंग कुटिंग करान, तो कटिंग करा के फिर चलें काम, फटाफट बैठ दे मैं, वैकेशन पेंट सला रहा तो मेरा है जी, जी दवाई है जिस तो टैनिंग बहुत होगी, मैं तो रंग चिट्टा कर दे मेरा, देखो क्या है टैनिंग कुछ नहीं कहती है, तो छोड़ दे बुर्श फेर दिया, बता मेरी गल ना बा, एड्डा महंगा बुर्श तो मैंने दोबारा पानी फरवाया कभी, महंगा नहीं है तो सस्ता ही है। हां तो देखियो जी क्या करया मेरे ने फ्रॉडी ने, ये जी अपना हैप्पी सहा में शॉप है इसके, दा बार्बर शॉप के नाम से, कहां लिख रखा तेरे शॉप का नाम बाहर है जी। अच्छा पूरे नाटक करा जी, और असि देखो मैं पता भी नहीं, मैं अंखा बंद करके पड़ा क्रीम सी ले जी, इसते हुआ क्या टैनिंग वास्ता जी, जो टैनिंग क्या हुआ यार, टैनिंग नहीं हुई जो अपना गर्मी में अपना ट्रैक्टर में बैठे सारा दिन, अब सर टैनिंग तो होगा कि रैबो वाले को आता ना बहुत सारा और दरवा मेला लग जाएगा, मेला ही तो लाना जी रहा, रंग तो जैसा वैसे ही रहा, प्रीम करनी हो नहीं, रंग तो वैसे रख जैसा हुआ, छोकरा शरीफ है जी, बढ़िया छोकरा, देखो अब बाजू में देखो, देखो हाँ सारी टैनिंग है रहा, ये बिल्कुल ओपन। अच्छा पूरा ये देखो जी, आज तेरी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, और तो ये अपने हैप्पी जी सहा से बता तेरी शॉप कहाँ पूरा जोन से, और भाई ब्लॉग देखा तेरे भाई, यहाँ आवागे शाहबाद रोड जी, सुपर मार्केट दा बार्बर हैप्पी सलून जी, ठीक है जी, एक बार विजिट करो जी, जरूर आओ जी। तो भाई का साथ दो जी, भाई ने नई शॉप करी है दा बार्बर शॉप के नाम से शाहबाद रोड पे, तो भाई के पास आएँ, भाई की सेवाएँ देखें, भाई का काम बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से भाई का काम देख रहा हूँ, हरियाणा ब्यूटी पार्लर पे पहले था भाई, वहाँ भी भाई की सेवाएँ अक्सर लेता रहा हूँ मैं, रंग बहुत काला है गेस्ट तो मेरा, कहाँ जी देखिए काला लग रहा है मैं समान, वैसे आप थोड़ा सा ना फोन को बंद करो, फोन क्यों बंद करो, फोन में तो मैं तेरी तारीफ कर रहा, नहीं नहीं तारीफ तो कर रहे हैं, खाना
थोड़ा रिलैक्स दो फेस, रिलैक्स दूं। चलो दोस्तों अब आपने देख लिया, जब आपको इन्हें पता नहीं क्या क्या लाया है, डी10 लाया कुछ, तो देखा इसके बाद क्या होगा जी। तो भाई की शॉप पे जरूर विजिट करें जी, साहब शाहबाद रोड पे द बार्बर हैप्पी सैलून के नाम से है, बड़ा अच्छा काम है। तो चीप रेट एंड बेस्ट क्वालिटी में आपको बहुत अच्छी क्वालिटीज़ दे गए, अपने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, और काम भाई का मुँह से बोलता है, अच्छा काम करता है भाई। तो एक बार ज़रूर विजिट करें, ठीक है दोस्तों। मैं देखूँ भी मेरा क्या लाइन क्रीम सी, इसके बाद क्या होगा आपको दिखाऊँगा मैं। वातावरण चिट्टा तो काट दिया था यार मैं, ठीक है जी, फर्क तो पाया था नहीं, क्या लाया था जादू का। अच्छा कल लो हूँ, परसों लूँ, हफ्ते के बाद दोबारा आना, इसके बाद रंग में तो फर्क पै दिया तुमने यार, वैसे है फर्क भाई। चलो थैंक्स, चाचू जी फिर रंजीत चाचू तो बनी नहीं थी बात, आज आपने दवानी गड्डी जी, ऑटो रिट से देख ले पहले, फिर उसके बाद टाटा ऑटोमेटिक एक दो तीन तो गड़ी है, मोटर से सब दिखन रहा, महिंद्रा खड़ी है, देख तो लो। चलो ऑटो में तो नहीं, कार छोटी डीजल में जहाँ साहिल चाचू टाटा में पहुंच गए, नेक्स्ट देखने आज साहिल चाचू तो नवी गड्डी दिखान लाते हैं सीधा। उधर वाल तो स्कूटर है, वो स्कूटर अच्छा ये देखो रहा उधर नेक्स्ट सुन रहा, देखिए आगे क्या गोली लग रही है इसके लिए, टेस्ट ड्राइव तो अंदर ला रहा है, पूरा लंग वाला है। अच्छा इनका कोई बात ना करी, क्योंकि काम काम ने फिर करना है। दोस्तों आज पहुंचे हम टाटा के शोरूम में, देखते हैं अपनी भारतीय कार रतन टाटा जी की कार देखने हम, नेक्सॉन का प्रोग्राम बना है ब्लैक कलर की, तो देखते हैं क्या बनता है। ये मॉडल भी तो बहुत आएंगे, ये नेक्सॉन देख रहे हैं अभी ब्रदर, देखते हैं फिर। अच्छा फिर चलेंगे क्या बनता है, फीचर फीचर तो कम ही है इसमें, इससे ऊपर वाले में होगा, इससे ऊपर वाला मॉडल है जी, क्रिएटिव प्लस में बैठोगे इसमें तो भरमार है फीचर्स की, वो भी खड़ी है इधर खड़ी है, क्रिएटिव प्लस ऑटोमेटिक आ जाएगी डार्क एडिशन में अगर आप लेते हो ब्लैक कलर में, वो कितना ऑन रोड, वो आपका ऑन रोड जाएगा 16,28,000 रुपये ऑन रोड, उसके अंदर स्कीम भी बता देता हूँ क्योंकि डिस्काउंट भी चल रहे हैं ना ये मंथ, डिस्काउंट के डिस्काउंटेड मंथ है, उसके अंदर आपकी जाएगी 50 लाख से ऊपर गाड़ियां सही लगती हैं, इसी कारण डिस्काउंट वगैरह मिलता है। ये तो ईवी है, ईवी का क्या प्राइस है, ईवी का 16 लाख से स्टार्ट, रेंज कितनी है ईवी, बढ़िया कार तो इतने रेट में तो नहीं है, ठीक है ना। यार अब तो गर्मी बहुत है, ये होगी स्टार्ट, इनकी बैटरी को लो जी पता, लो जी होगी स्टार्ट,
देखिए आप कैसे बैठे हो, कंफर्ट बैठे हो, खुले हैं मतलब, बंद कर लो दरवाजा तो इसी सारा कुछ गाड़ी के अंदर दो ट्वीट है, छः का सेट जैसे मान के चलो गाड़ी अपने पहाड़ी इलाकों में चलानी है उसके लिए स्पोर्ट्स मोड है, स्पोर्ट्स मोड एक्टिविटी टाटा इधर से साउंड आती है इसमें बंद हुई है सेटिंग करके, इसके अंदर गाड़ी की पावर टॉक जो है बढ़ जाएगी ठीक है जी, और गाड़ी आपको जो पहाड़ी इलाकों के लिए यूज है गाड़ी एक तरह से पिकअप गाड़ी की पावर टॉक बढ़ जाएगी। इको मोड है नॉर्मल आपने गाड़ी चलानी है, डेली इको मोड में चलाओ गाड़ी की एवरेज अच्छी आएगी। डीजल के अंदर आपको जो माइलेज देती है 23 से 24 की माइलेज देती है, आपकी एवरेज अच्छी निकलेगी, पेट्रोल कम लगेगा, उसके लिए इको मोड है। सिटी मोड होता है लोकल में सब्जी मंडी वगैरह मान के आपने ड्राइव करनी है आप सिटी मोड लगा सकते हो, उसके अंदर गाड़ी जो अपने हिसाब से जो पावर टॉक पे गाड़ी चेंज करती रहती है, जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सिटी मोड रहती है वो चीज़ है। आपका गियर शिफ्टिंग हो गया प्रेस करके है, ड्राइव करोगे ड्राइव मोड पे आ जाएगी, न्यूट्रल करोगे न्यूट्रल पे, वो सारी चीज़ है। वो स्टार्ट बटन मिल जाएगा आपको, ट्रिंक और पावर स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग का ऊपर नीचे वो चीज़, ये आपका स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल्स आ गए, क्रूज कंट्रोल आ गया गाड़ी के अंदर ठीक है जी। उसके बाद चारों पावर विंडो विंडो लॉक है, साइड मिरर फोल्डेबल है, एडजस्टेबल है, 5-star रेटिंग गाड़ी है टाटा की शेयर बैग के साथ। लॉयज कितने इंच है लोए जी इसमें रहेंगे 16 चक्कर बढ़िया है पापा कार तो कार ठीक है। इसका रेट क्या है इस वाली, ये कौन सा अपना ये क्रेटी प्लस वेरिएंट है, ये क्या इसका प्राइस है, इसका प्राइस है पसंद है सर गाड़ी पीछे भी इसमें स्मूथ है सारा कुछ है। अरे बाप कैसे बैठे हो बढ़िया पूरे कम्फर्ट है बहुत कम्फर्ट। मैं बात करूँ की रिक्वायरमेंट है सर, अगर सलूक पे जाते हो फिर 60,000 और प्लस हो जाएगा इसी बैठ उसमें संदूक आ जाएगा आपकी बेची नहीं करते नहीं। इसके अंदर जो डिस्काउंट है 80,000 का, अगर आप इसी मंथ के अंदर क्लोज करते हो, आज तारीख हुई है जी 24, 25 तारीख होगी, अगर आप इसी महीने के अंदर गाड़ी ले लेते हो तो आपको 80,000 का डिस्काउंट हुआ है मोटा मोटा, और मान लो 1,00,000 का 1,00,000 डिस्काउंट मान लो चलो उसके ऊपर, वैसे 80,000 है बाकी थोड़ा बहुत और इसका जो ऑनरोड है क्रेटी प्लस ऑटोमेटिक डीजल का, जो बेसिकली डीजल गाड़ी होती है पेट्रोल गाड़ी से 1,25,000 रुपये महंगी होती है। पेट्रोल की क्या एवरेज आती है, पेट्रोल की एवरेज 19 की है, डीजल की है 24-25 का। फीचर का कोई फर्क है, फीचर का कोई फर्क नहीं है, पेट्रोल ले लो डीजल सारा से सब कुछ हर एक चीज़ सेम, पेट्रोल गाड़ी सस्ती है 1,25,000 रुपये का फर्क है मोटा मोटा। अगर मैं दोनों का बताऊँ में कितनी एवरेज लोकल में सर, नहीं नहीं ज़्यादा ही है 15 का मान के चलो, मैं अगर आप क्रेटी प्लस लेते हो ठीक है जी ऑटोमेटिक, क्रेटी प्लस ऑटोमेटिक में लेते हो पेट्रोल गाड़ी तो 14.5 की ऑन रोड है, 80,000 रुपये स्कीम है तो कह सकते हो आप कितने होंगे 1,13,500 के दे देंगे होंगे डीजल। अगर आप लेते हो डीजल के अंदर सेम वेरिएंट क्रेटी प्लस तो दोस्तों ये है टाटा का नेक्सॉन का ईवी मॉडल, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, ये देखो बूट भी टच है, इंटीरियर आप देख सकते हैं बहुत टच बहुत अच्छा इंटीरियर है और काफी स्पेसियस कार है, पीछे अगर आराम से बैठते हैं तो पीछे बहुत आराम मॉडिफाई करा के बहुत अच्छे और बड़ा अच्छा है ईवी मॉडल, जो मुझे अभी अच्छा लगा है इनका ईवी मॉडल। बाकी देखते हैं अभी क्रेटा में जाना है हमने, सेल्टोस जाना है, प्लान कर रहे हैं क्या अच्छा लगता है, कोई पुरानी मिल गई पुरानी भी चक देंगे, रोड में कहीं दिनों रहा पर बट पुरानी भी नहीं कोई बढ़िया मिल रही है, तो आज इस करके टाटा नेक्सॉन देखना है। यहाँ से इंटीरियर दिखाओ आप सारा, इसके साथ एक मेरी फोटो उतार, उसमें डीजल में ये नहीं है हाँ ये ईवी मॉडल है ना,
सारा दिन बाहर घूमने के बाद बैक टू पवेलियन अपने उसी रूप में खेतों में पहुंच चुके हैं। किसान वाली लाइफ अपनी देख सकते हैं, जीरी बाबा जी की दया से खड़ी है, ठीक है। तो चक्कर लगाने आए थे जी शाम को खेतों में, सूरज देवता भी लुक लुक का देख रहा है, तो बरसायो देख कर, ना बरसावा ना छोड़ा।